ये साल दिल्ली को जाते जाते जख्म दे गया। वो गहरा जख्म जो दाग के रूप में दिल्ली के माथे पर लग गया है। सिस्टम के माथे पर लगा निहत्थे 43 लोगों की मौतों का दाग तो नहीं हट सकता, लेकिन नसीहत तो जरूर ली जा सकती है ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। जाने वाले चले गए, घर परिवार वालों को अशकों की बहती धारा दे गए। किसी ने पिता खोया तो किसी ने बेटा, लेकिन सवाल जस का तस है कि फिल्मिस्तान के अग्निकांड का जिम्मेदार कौन। फिलहाल अब इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि अगर इस याचिका को अभी सुना जाता है तो यह बहुत जल्दबाजी होगी। परसों ही यह दुर्घटना हुई है, लिहाजा पुलिस को इस मामले में अभी जांच पूरी करने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अगर जांच में कोई खामी रहती है तो याचिकाकर्ता दोबारा कोर्ट में याचिका लगा सकता है। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग भी की थी। दरअसल एक वरिष्ठ वकील अवध कौशिक की तरफ से दिल्ली के अनाज मंडी में रविवार को लगी आग से 43 लोगों की मौत के मामले में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस जनहित याचिका के जरिए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस के बजाय न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि ना सिर्फ इस बिल्डिंग का निर्माण अवैध था, बल्कि जिस तरह से इस बिल्डिंग में प्लास्टिक पैकिंग को बनाने का काम हो रहा था वो भी पूरी तरह से ना सिर्फ गैर कानूनी था, बल्कि उसके लिए ना तो किसी तरह का कोई लाइसेंस लिया गया और ना ही इसका कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया। फैक्ट्री को चलाने के लिए ना तो कोई सर्टिफिकेट लिया गया और ना ही यहाँ पर फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम थे। इसके बाद सवाल ये उठता है कि इतनी खामियां होने के बावजूद भी अनाज मंडी में ये फैक्ट्रियां किसके आदेशों से चल रही थी, या फिर किसने नियमों को ताक पर रखकर फैक्ट्री चलाने की इजाजत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।